तो नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम मोनोफिल गोल्ड और इसको कंपेयर करेंगे मोनोफिल से। तो अगर आपने इनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी दोनों की और रिव्यू वगैरह ओरिजिनल और फेक टिप्स, तो उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आती कई लोग कह रहे थे, और उसके बाद बेल वाला आइकन भी जरूर दबा देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना बिल्कुल, क्योंकि ये फ्री है, ठीक है, इसके पैसे वगैरह ही लगेंगे, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलती है अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं फिर और वीडियोज लाऊँ, अगली वीडियोज लाऊँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना और चलिए इस कमाल की वीडियो को आज हम करते हैं शुरू। और पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर स्ट्रेच किस डोर में ज़्यादा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस डोर में स्ट्रेच है, उस डोर में स्ट्रेच है, तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेच आया, फिर टूटी है ये, ठीक है। तो ये देखिए, इसको तोड़ूंगा, ये देखिए स्ट्रेच हो गई, ये बहुत ज़्यादा होगी स्ट्रेच, और ये फिर टूट, तो इसमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है, देखिए बिल्कुल ऐसी होगी डोरी, यहाँ से तोड़ी थी इतनी लंबी होगी, तो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेच के अगर मामले में अगर आपने डोर लेनी है, अगर आपको डोर चाहिए ना ज़्यादा स्ट्रेच हो इसमें, मतलब ज़्यादा ढीलों वाली डोर चाहिए, क्योंकि जिसमें जितना स्ट्रेच होगा वो ढील में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेच वाली डोर चाहिए तो आप मोनोफिल की तरफ जाए, ठीक है, ये देखिए। तो अब बात कर लेते हैं ये कंच किस में ज़्यादा है और तीखी कौन सी है और पतली कौन सी ज़्यादा है। तो गाइस पतली तो मोनोफिल गोल्ड है, देख सकते हैं आप, और अगर बात करूं मैं कंच की तो मोनोफिल में ना यार कंच बहुत ही ज़्यादा कम है और बराबर चढ़ा भी नहीं हुआ, जबकि अगर मैं इस डोर की बात करूं ना मोनोफिल गोल्ड की, तो आप इसका कंच देख सकते हैं, ये देखिए बराबर कंच चढ़ा हुआ है इसके अंदर, तो कंच के मामले में डोर ये ज़्यादा अच्छी है मोनोफिल से, ठीक है, और पतली भी ये ज़्यादा है। तो अच्छा मांजा वही माना जाता है जो पतला हो, जिसमें धार हो और कंच बहुत ज़्यादा हो, तो ये तीखी भी है डोर, ठीक है, और मोनोफिल के मुकाबले ये इससे पतली भी है मोनोफिल से। डोर चाहिए कंच वाली ब्री डोर चाहिए, मतलब पूरी पतली डोर वही, तो अब मोनोफिल गोल्ड की तरफ है, ठीक है, क्योंकि जो मोनोफिल है मोटी डोर है और कंच है नहीं बिल्कुल, और स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिल्कुल लंबी हो जाती है डोर खींचने में। और अगर मैं मोनोफिल गोल्ड की बात करूँ तो पतली भी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, मतलब मीडियम साइज है इसका, और स्ट्रेच भी बहुत कम है स्ट्रेच इसका, और कंच बराबर लगा हुआ डोर के अंदर, देख सकते हैं आप कंच तो बहुत बराबर है। मैं ये काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ मोनोफिल वाली, और मैंने बड़े बड़े काइट्स उड़ाए हैं और ढील के पीछे लगाए हैं, तो इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्ट्रेच होने के साथ, ठीक है। और अगर मैं इस डोर की बात करूँ तो इसके साथ अगर मैं पीच लगाऊँ तो इसके साथ काइट हम उड़ा सकते हैं 5-10 रुपये वाली, ये भी बढ़िया है, क्योंकि मीडियम है डोर, इससे पतली डोर है, तो इससे हम 5 या 10 रुपये वाले तक भी हम उड़ा सकते हैं, अच्छे उड़ेंगे, ठीक से ढील जो मर्जी पीछे लगा सकते हैं, इसकी ये खास बात है, ठीक है गाइस। और वैसे कोई मेजर डिफरेंस है नहीं इन दो डोरों में, मैंने आपको दिखाई दिया, तो मैं सोचता हूँ, तो वैसे तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यार ये ना बहुत मोटा मांझा है और स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर होगा,
और अगर आपको डोर सिर्फ वही चाहिए जिसमें स्ट्रेच हो, पर ये ना चीरे बहुत कम डालेगा, मतलब इससे उंगलियाँ कटनी होंगी, तो ये ठीक है छोटे बच्चों के लिए, कोई तो अगर छोटा बच्चा है उसने डालनी है तो ये उसके लिए ठीक है डोर, क्योंकि इससे ज़्यादा चीरे नहीं पड़ते, जबकि इस डोर से बहुत ज़्यादा चीरे पड़ेंगे आपको। और मैं आपको एक और कर दूँ, आप कमेंट कर रहे हो कि मुझे ये डोर दिला दो, मुझे ये डोर दिला दो, मेरे से इतने ले लो पैसे, उतने ले लो, तो भाई मैं ये सप्लाई नहीं करता, मेरी कोई दुकान नहीं है यार, ठीक है। तो मैं तो आपको बता सकता हूँ कौन सी इसी नकली है और कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मोनोफिल गोल्ड मोनोबिल के मुकाबले अच्छी है, यही लेना मोनोफिल गोल्ड, क्योंकि यार एक तो इसमें स्ट्रेच भी ठीक ठीक है, ठीक है, ऊपर से डोर इससे पतली है, ये डोर इससे पतली है, और ऊपर से इसमें कंच ना बराबर चढ़ा हुआ है, इसके अंदर कंच अगर आप देखोगे तो बराबर नहीं चढ़ा हुआ, वैसे तो है ही नहीं, ज़्यादा कंच नहीं मिलेगा आपको, उस डोर में ज़्यादा दिखी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट डोर है पर स्ट्रेच है। तो अगर आपको स्ट्रेच वाली डोर चाहिए तो मोनोफिल की तरफ जाएँ, पर अगर आपको चाहिए तिखी डोर जिसमें कंच भी बराबर चढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से कंच चढ़ा हुआ है, तो आप मोनोफिल गोल्ड की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मेरी फटाफट से देख पाए। दोस्तों शेयर कीजिए इसे, शेयर जरूर कर देना वीडियो को यार, ताकि पता लग जाए कौन सी डोर लेनी चाहिए आपके दोस्तों को भी, और वीडियो कर देना लाइक। अब आपको मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।